नमस्कार प्यारे दोस्तों, जीवन में यदि कुछ करके दिखाना है, जीवन में यदि कुछ बनना चाहते हो तो अपने से बड़ों का और माता पिता का, गुरुजनों का, साधु संतों का सदा सम्मान करें। उससे आपके जीवन में उन्नति आएगी। आप जो है अपने जीवन में कभी फेल हो ही नहीं सकते। जिस काम पे हाथ डालोगे वही काम आपका पूरा होगा। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज आइए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मेष राशि का भविष्यफल। 8 साल कैसे रहने वाले हैं, 2030 तक आपका जीवन कैसे रहेगा, 2023 से आपकी 8 भविष्यवाणी और आपके 8 साल, आपके सितारे क्या कहते हैं आपके लिए। साथियों, मेष राशि का जो सिंबल है मेंढा है। मेष राशि का सिंबल क्या है, मेंढा। और मेंढे का गुण होता है, आपने देखा होगा कभी मेंढों को लड़ते हुए आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जब वो लड़ते हैं तो जल्दी से हार नहीं मानते हैं। वो एक दूसरे को जब तक हरा नहीं देते हैं, जब तक एक हार नहीं मान लेता तब तक पीछे नहीं हटते हैं। तो मेष राशि पावरफुल राशि है और संघर्ष वाली राशि है। ऐसे लोग जो है सम्माननीय होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, अपने आप में अग्रणी रहते हैं। अग्रणी परमात्मा ने इनके लिए बना भी रखा है कि ये लोग जो है अग्रणी पद निभाएंगे। जैसा मेंढा जो है सबसे आगे चलता है, उसी तरीके से आपका जो जीवन है वो और भी सफल कैसे होगा, आपके माता पिता के सम्मान से, आपके बड़ों के सम्मान से। तो साथियों, मेष राशि जो है, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, यानी भौम ग्रह। और मंगल ग्रह कैसा ग्रह है, क्रोधित ग्रह है। और क्रोधित ग्रह जो है, लेकिन जितना जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है उतनी ही उसके अंदर दया भी होती है। ऐसा व्यक्ति मान जाए तो अपनी जान देने को भी तैयार, और किसी पे क्रोधित होता है तो किसी की जान लेने के लिए भी तैयार रहता है। तो साथियों, आपकी जो राशि है, यानी आप लोग जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, अपने जीवन में जो है बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को मिलता भी है। आपके जीवन में सम्मान दौलत भरपूर मात्रा में आपको मिलती है, लेकिन भगवान के गुणगान करने से, भगवान को मानने से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। मंगल जो ग्रह है वो आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। तो आइए साथियों, जानते हैं आपकी राशि का 8 साल का हाल, क्या कहेंगे आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका जीवन। तो आइए जानते हैं एरिस 8 ईयर होरोस्कोप। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर पड़ता है। आपको बता दें कि कर्म फलदाता शनिदेव 30 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति ही 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे हम यहां आपको बताने जा रहे हैं आगामी 8 साल का वर्षफल, मतलब आने वाले 8 साल मेष राशि के जातकों को कैरियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, संतान, सेहत और दाम्पत्य सुख, कैरियर, देश विदेश, वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे आपके 8 साल, आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में साफ कहा गया है साथियों कि मेष राशि वालों को 2023, 24 और 2025 जून का जो महीना है उसके बाद इनकम की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस अवधि में आय के नए नए स्रोत बनेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन आपको शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है, सिर में पीड़ा हो सकती है। वहीं 2025 का आधा साल, 2026 और 2027 का वर्ष आपके लिए धर्म से जोड़ने वाले रहेंगे। वहीं धार्मिक कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, साथ ही धर्म कर्म के कार्यों में आप रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं आपको लोभ और लालच की प्रवृत्ति भी बढ़ी हुई रहेगी। वहीं 2028 और 29 और 30 आपके लिए कष्टकारी रह सकते हैं साथियों, क्योंकि आपकी राशि पर नीच का शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं 2028, 29 और 30 का
जून जुलाई के बाद आधे साल में शनिदेव मेष राशि में भ्रमण करेंगे, इसलिए शारीरिक कष्ट हो सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ सकता है, साथ ही जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। वहीं आपके साथ कोई धोखा या चीटिंग भी हो सकती है, इसलिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, खबरदार रहिएगा। साथ ही किसी दस्तावेज पर अच्छे से देखकर साइन करें। जी हाँ साथियों, अब जानते हैं कि आपके लिए शुभ कौन सा ग्रह है और कौन सा साल शुभ रहेगा और बृहस्पति कैसे देंगे आपको आशीर्वाद। वहीं आपके लिए जो सबसे शुभ जो रहेगा वो है साल 2026। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही सुख सुविधा बढ़ेगी। इस साल आप वाहन प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं। वहीं जमीन जायदाद के लेन देन में मुनाफा हो सकता है। वहीं अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको साल 2026 में किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, आप चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए साल 2023, 24 और 25 के आधे साल तक जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ में है। साथियों, मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक यानी देवगुरु का आशीर्वाद आपको अच्छा प्राप्त होगा, इसलिए इसका लाभ उठाने का समय है, उठा लीजिएगा। वहीं वर्ष 2027 में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मेष राशि के ऊपर रहेगी, तो उस साल आपको धन लाभ के अवसर ज़्यादा रहेंगे। साथियों, आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, साथ ही रियल इस्टेट जमीन जायदाद में लाभ होगा। दाम्पत्य सुख आपका अच्छा रहेगा, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और माताओं के लिए बहनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पेट विकार से सतर्क रहें, ब्लड विकार से सतर्क रहें। और इसके साथ साथ में माताएं और जो बहनें हैं उनको जो है चेस्ट विकार हो सकता है, सिर से संबंधित पीड़ा हो सकती है, इसलिए इसके लिए सतर्क रहिएगा। बाकी आपका दाम्पत्य सुख अच्छा जाएगा, संतान की उत्पत्ति होगी और आप जो है कई सालों से परेशान हैं वो परेशानी आपकी ठीक होगी। राज दरबार कोर्ट कचहरी की नौबत भी आपकी ख़त्म होगी। वहीं आप लोगों को 2028 और 29-30 के आधी साल तक आपको शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही शनिदेव से संबंधित दान करने चाहिए, शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर जो है तिल की भरी हुई कटोरी, आप जो है कांसे की कटोरी में तिल भरें और उसको जो है शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दें, उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रख करके और प्रांग त्रिंग प्रौं सनिश्चराय नमः का जाप जरूर करें और शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, तो आपको जो है बहुत अच्छी युति बनेगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, करियर बनेगा और आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। देश विदेश का गमन भी आपका इन सालों में हो सकता है, तो विशेष स्थिति के लिए साथियों आप लोग अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएँ और प्रेडिक्शन कराने के बाद आपको जो है ये पता लगेगा कि आपकी राशि पर मूंगा सूट होता है या नहीं। यदि सूट होता है तो आपको अच्छा लाभ करेगा। और अन्य जानकारी के लिए, जैसे वास्तु फेंग शुई की जानकारी के लिए, अपने घर का वास्तु विजिट कराने के लिए और जन्म पत्री का प्रेडिक्शन कराने के लिए और इसके साथ साथ में आपको रुद्राक्ष और रत्न से रिलेटिव नौ रत्नों में से कोई भी रत्न आपको सिद्ध किया हुआ या यंत्र या लक्ष्मी यंत्र या वास्तु यंत्र या फिर नवग्रह यंत्र, कोई भी यंत्र किसी भी तरीके का ज्योतिष से रिलेटिव आप संपर्क कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है। तो नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो आरबी भी फॉलो जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और एस्ट्रो आरबी चैनल को आप लोग जो है शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।